पहला प्रश्न आप लोगों के सामने में है, यदि x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0 है तो x स्क्वायर प्लस 1 बाय x स्क्वायर का मान क्या होगा? If x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 बाय x स्क्वायर। ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 13, ऑप्शन सी 14, ऑप्शन डी 16। इन चारों ऑप्शन में से सही ऑप्शन क्या होगा? तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये प्रीवियस एग्जाम क्वेश्चन है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0 दिया हुआ है, क्या करेंगे? दोनों तरफ x से भाग दे देंगे, तो दिस इंप्लाइज एक्स स्क्वायर बाय एक्स माइनस 4x बाय एक्स प्लस 1 बाय एक्स इक्वल टू 0 बाय एक्स, दोनों तरफ x से भाग दे दिए, ऊपर में एक्स स्क्वायर है बाय एक्स, एक एक्स कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? ऊपर में x बचेगा माइनस x कैंसिल 4 बचा प्लस 1 बाय एक्स इक्वल टू 0 बाय एक्स 0। इस x को और 1 बाय एक्स को एक साथ में रखेंगे तो x प्लस 1 बाय एक्स हम माइनस 4 को दाया साइड में कर देंगे तो क्या हो जाएगा प्लस 4। इसके बाद क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, तो x प्लस 1 बाय एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 का होल स्क्वायर, क्या किए? दोनों तरफ वर्क कर दिए, दोनों तरफ वर्क करने पर तो x को a मानेंगे, 1 बाय x को b मानेंगे, a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर इक्वल टू 4 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 16, x स्क्वायर प्लस x x कैंसिल प्लस 2 प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे 1, x का स्क्वायर करेंगे x स्क्वायर इक्वल टू 16, x स्क्वायर प्लस 1 बाय x स्क्वायर इक्वल टू 16, अब प्लस 2 को दाया पक्ष में कर देंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 2, x स्क्वायर प्लस 1 बाय x स्क्वायर इक्वल टू 16 माइनस 2 कितना हो जाएगा 14, तो करेक्ट आंसर होगा 14। और 14 देखिए तो आपका किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन सी में, तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी। फिर से देखिए कैसे इसको सॉल्व किए, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0 आपको दिया हुआ है, गिवन दिया हुआ है, क्या किए? दोनों तरफ जो है x से भाग दे दिए, तो यदि x स्क्वायर में x से भाग देंगे क्या बचेगा x माइनस 4x में x से भाग देंगे क्या बचेगा 4 प्लस 1 में x से भाग देंगे क्या होगा 1 बाय x इक्वल टू 0 बाय x 0। x और 1 बाय x को एक साथ में रख दिए, अब माइनस 4 को दाया साइड में भेज दिए तो प्लस 4 हो गया, इसके बाद क्या किए दोनों तरफ वर्क कर दिए स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो x प्लस 1 बाय x का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 का स्क्वायर, x को a मान लिए और 1 बाय x को b मान लिए, a प्लस b का होल स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो a प्लस b का होल स्क्वायर के फॉर्मूला पे तोड़ दिए इक्वल टू 4 का स्क्वायर किए तो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस x कैंसिल प्लस 2 प्लस 1 का स्क्वायर 1 बाय x का स्क्वायर करेंगे x स्क्वायर इक्वल टू 16, x स्क्वायर प्लस 1 बाय x स्क्वायर को एक साथ में रखे और प्लस 2 को दाया साइड में भेज दिए तो माइनस 2 हो गया और 16 में 2 घटा दिए 14, तो करेक्ट आंसर होगा 14। और 14 जो किस ऑप्शन में आपको दिया हुआ है ऑप्शन सी में,
करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी। दूसरा प्रश्न आप लोगों के सामने में है कि यदि x पर टू दी पावर 4 माइनस 51 x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 है तो x माइनस 1 बाय x का मान क्या होगा, इसको याद करना है कि x पर टू दी पावर 4 माइनस 51 x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x माइनस 1 बाय x। बहुत ही शानदार प्रश्न है, इसको कैसे बनाएंगे, बहुत ही शानदार प्रश्न है इसको कैसे बनाएंगे। तो क्योंकि x पर टू दी पावर 4 माइनस 51 x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 दिया हुआ है, क्या करेंगे दोनों तरफ x स्क्वायर से भाग दे देंगे, तो x पर टू दी पावर 4 बाय x स्क्वायर माइनस 51 x स्क्वायर बाय x स्क्वायर प्लस 1 बाय x स्क्वायर इक्वल टू 0 बाय x स्क्वायर, x स्क्वायर से दोनों तरफ भाग दे दिए, तो x पर टू दी पावर 4 में x स्क्वायर से भाग देंगे क्या बचेगा, x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर कैंसिल तो 51 प्लस 1 बाय x स्क्वायर और 0 बाय x स्क्वायर क्या हो जाएगा 0 x स्क्वायर प्लस 1 बाय x स्क्वायर एक साथ में रखेंगे, इसको और इसको एक साथ में रखेंगे, अब माइनस 51 को दया पक्ष में कर देंगे तो 0 अब माइनस 51 को दया पक्ष में करेंगे प्लस 51 हो जाएगा, तो x स्क्वायर प्लस 1 बाय x स्क्वायर इक्वल टू 0 प्लस 51 हो जाएगा, दोनों तरफ दो घटा देंगे तो x स्क्वायर प्लस 1 बाय x स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 51 माइनस 2, इसको क्या लिखेंगे x माइनस 1 बाय x का होल स्क्वायर, अब 51 में 2 माइनस कर देंगे कितना हो जाएगा 49, तो x माइनस 1 बाय x का होल स्क्वायर इक्वल टू 49 x माइनस 1 बाय x, जब स्क्वायर को एक साइड से दूसरे साइड ले जाते हैं क्या होता है स्क्वायर रूट हो जाता है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 49, तो x माइनस 1 बाय x इक्वल टू 49 का स्क्वायर रूट निकालेंगे कितना हो जाएगा 7, तो करेक्ट आंसर होगा आपका 7, और 7 आपका किस ऑप्शन में दिया हुआ देखिए तो ऑप्शन सी में, तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी।